अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, मंत्री अरुण सक्सेना भी मौजूद रहे और दयाशंकर मिश्रा दयालु और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित करा रही है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं सर इस कार्यक्रम को आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। योग दिवस सप्ताह की शुरुआत आज पहला दिन है और आज पर्यटन विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम का शुभारम्भ होगा, ताकि लोग योग के प्रति जागरूक हों। और मैं समझता हूँ योग ही रह करके ही निरोगी रह सकते हैं। योग के आधार पर दिनचर्या व्यवस्थित रखने के आधार पर आज जो तमाम विकार, तमाम बीमारियाँ, तमाम समस्याएं समाज के अंदर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों तक को डायबिटीज होती जा रही हैं, लोग तमाम तरह तरह के रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, इससे मुक्ति का साधन योग है। सुव्यवस्थित दिनचर्या हो, लोग प्रातः नियमित योग करें, तो मैं समझता हूँ कि योग योगी रहते हुए निरोगी रहने का काम हो सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। दीप खेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा, क्या क्या खास कार्यक्रम है जानना चाहेंगे? देखो बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से योग को लेकर लगातार, चाहे वो प्रदेश सरकार की बात करी जाए, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी जाए, वो खुद कहते हैं कि योग जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग से जो सभी रोग हैं वो दूर होते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों में बड़े कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी मदरसों में योगा कराया जाएगा और आज से लेकर 21 जून तक का, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो एक योग सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में देखिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह है, वन मंत्री अरुण सक्सेना है, दयालु शंकर मिश्रा है, तो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है। और सभी का देखिए, मंत्री जी का भी यही कहना है कि योग के बारे में लोगों को जागरूक करना, वो चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, कि किस तरीके से हम योग करने से हम निरोग रह सकते हैं, सभी को जानकारी देना, एक तरीके से समाज के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तमाम जो कह सकते हैं वो चाहे अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो, तमाम लोग जो शामिल हो, इनको जिम्मेदारी दी जा रही है। क्योंकि देखिए, जब 58,000 ग्राम पंचायतों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो तस्वीर क्या होगी, जब कह सकते हैं कि पूरा जो प्रदेश है वो योग कर रहा होगा। और देखिए, योग के फायदे जो हैं, बिल्कुल वो तस्वीर वाकई में अपने आप में देखने वाली होगी, जब पूरा देश एक साथ योग कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, इस तमाम सारी जानकारी के लिए।